Hello students, myself Prashant Shukla and welcome to our channel Colors of Chemistry. Aaj sabse chota 5 to 10 minute ka topic hai aur jo ki physics, chemistry aur maths tino mein ye topic bahut zyada requirement rakhta hai. Topic hai log aur anti-log. Most of the हमारे पास ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, काइनेटिक्स हो गया, तो ये चैप्टर्स ऐसे हैं कई बार बच्चों को क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन लास्ट में अगर आपको एंटी लॉग की वैल्यूज नहीं दे रखी हैं तो फिर आप एंटी लॉग वैल्यू चार ऑप्शंस में मैच कराने में प्रॉब्लम हो जाती है. तो यहाँ पर आज हम एक ऐसी टेक्निक समझेंगे कि जिससे किसी भी नंबर का एंटी लॉग आसानी से निकाला जा सकता है. तो यहाँ पर एंटी लॉग के लिए क्या होता है कि वैसे स्टैंडर्ड पेपर्स में आपको वो वैल्यूज दे रखी होंगी लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं दी जाती हैं तो हमको एंटी लॉग निकालना पड़ता है. और एंटी लॉग में न निकाल पाने की वजह से 11th और 12th में बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर एंटी लॉग कैसे निकालें अगर वैल्यूज नहीं दे रखी हैं, या लॉग टेबल अगर देखी जाए या एंटी लॉग टेबल देखी जाए तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है. तो नाउ द कॉन्सेप्ट इज विदाउट सीइंग द एंटी लॉग टेबल हाउ कैन वी कैलकुलेट द एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लॉग 1 से लेके लॉग 10 तक वैल्यूज याद करनी होंगी. लॉग 1 से लेके लॉग 10 तक वैल्यूज याद करनी होगी. अच्छा, वैल्यूज हमें पता है कि कुछ लॉग 2 की वैल्यू जनरली लोगों को याद होती है, लॉग 3 की याद होती है, बस लॉग 5, लॉग 7 और लॉग 9, 10 की तो आसानी से निकाली जा सकती है. कुछ लॉग वैल्यूज हैं जिनको याद करना है और बाकी तो लॉग वैल्यूज आसानी से निकाली जा सकती है. तो हम सबसे पहले यहां पर यह सीखेंगे कि एंटी लॉग किस तरीके से निकाला जाता है. देखिए, लॉग की वैल्यूज को निकालना आसान होता है, लॉग जनरल निकाला जा सकता है, हम वो भी समझेंगे, लेकिन एंटी लॉग निकालने का कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंटी लॉग पर पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें लॉग 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. देखिए, यहां पर क्या होता है कि लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं लेकिन अभी हम वो लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं करेंगे. अभी हम केवल और केवल टारगेट कर रहे हैं कि एंटी लॉग अगर कोई नंबर दिया है तो उस नंबर का एंटी लॉग कैसे निकालना है. तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमको लॉग 1 से लेकर लॉग 10 तक वैल्यूज याद करनी है. तो देखिए, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4771, ठीक है. लॉग 4 की वैल्यू, लॉग 4 की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहां पे मैं कैलकुलेट करता हूं. लॉग 4 की वैल्यू का मतलब होता है, लॉग 4 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी 2 log 2. इसको लिख सकते हैं 2 log 2, यानी 2 × 0.3010. तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.20 और 2, 0 और 6, 0.6020. लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.6990. लॉग 6 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 2 प्लस लॉग 3, तो लॉग 2 की वैल्यू होती है 3010 और लॉग 7 की वैल्यू होती है, सॉरी, लॉग 3 की वैल्यू होती है 771. तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1877. 1 और 0 1 7 और 1 8 7 और 7, यानी आ जाएगा 0.7781. लॉग 7 की वैल्यू, लॉग 7 की वैल्यू होती है अप्रॉक्स, आपको ये याद करनी होगी, अप्रॉक्स 0.8450 के आसपास. लॉग 8 की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, यानी 3 log 2. 3 की वैल्यू 0.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 9030 पॉइंट. और लॉग 9 की वैल्यू आती है अप्रॉक्स 0.95 के आसपास, मतलब लॉग 3 स्क्वायर, यानी 2 × 0.4771, तो कितनी हो जाएगी, 0.95 के आसपास. और लॉग 10 की वैल्यू 1. तो हमें क्या करना है कि ये वाली वैल्यूज आपको याद करनी है. और वैसे में भी देखिए कि केवल लॉग 2, लॉग 3, लॉग 5, लॉग 7 ये वैल्यूज याद कर लीजिए, बाकी वैल्यूज तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो एंटी लॉग अगर आपको अच्छे से निकालना है तो एंटी लॉग के लिए हमें ये लॉग 1 से लेके लॉग 10 तक वैल्यूज यू हैव टू लर्न इट. और अगर ये वैल्यूज याद हो गई तो आप यकीन माने एंटी लॉग का कोई भी नंबर आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि वहां चार ऑप्शंस दिए होंगे. तो चार ऑप्शंस में मोर एप्रोप्रिएट आंसर कैन बी इजीली टिक्ड, आसानी से टिक किया जा सकता है. तो देखिए जरा कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यह कह दिया जाए कि लॉग एक्स इज इक्वल टू लिखा है 4.4
4.3010, then find the value of x. तो x का मतलब जानते हो क्या है? x का मतलब हो गया anti log of this thing. अच्छा, by default ध्यान रखेगा यहाँ पर base 10 की बात कर रहे हैं हम. बेस 10 की बात कर रहे हैं. लॉग में जितनी भी ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये बाय डिफॉल्ट सभी में बेस कितना है? बाय डिफॉल्ट सभी में बेस 10 है. ध्यान रखना बेस ई भी होता है या कोई भी बेस चेंज किया जा सकता है. तो यहां पर सारे के सारी वैल्यूज बाय बेस 10 में यूज की जा रही हैं. तो लॉग 10 बेस 10 x = 4.3010, तो x बराबर हो जाएगा 10 की पावर 4.3010. अब 10 की पावर 4.3010 मींस एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर हाउ कैन वी कैलकुलेट, ये हमारा क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर. क्या करना है आपको, जो डेसिमल है, डेसिमल के जो पहले नंबर है वो कैरेक्टर है, बाद में मंटीसा. हालांकि छोड़ो इसको, सिंपल समझो कि डेसिमल के जो पहले नंबर लिखा होगा, जो भी नंबर लिखा हो, उसको 10 की पावर आप अप्लाई कर दीजिए इनटू, और ये देखना है डेसिमल के बाद वाली वैल्यू, ये वैल्यू किसकी लॉग वैल्यू है. 0.3010, 0.3010 किसकी होती है? 2, एंड 2 इट इज एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, इट इज आंसर. क्लियर हो रहा है? तो यानी कि अगर log x बराबर 4.3010 है, इट मींस 4.3010 का एंटी लॉग होता है 2 इंटू 10 की पावर 4. ये समझ में आ रहा है? अब जरा देखिए, अगर मैं इसका log लूंगा तो डेफिनेटली यही आएगा. अगर इसका log लिया जाए, देखिए अगर मैं इसका log लेके देखता हूं तो क्या हो जाएगा, log 2 इंटू 10 की पावर 4, इसका log लेना है. तो कैसे लिखेंगे हम, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b. ये फॉर्मूला होता है ना, log a into b बराबर log a प्लस log b, log a प्लस log b. तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, और प्लस इसको क्या लिख सकते हो, 4 log 10, log a की पावर b क्या होता है, b log a. हमने कहा कुछ log प्रॉपर्टीज बेसिक आपको आती हैं, ये मैं मान के चलता हूं. तो 4 log 10, तो log 10 की वैल्यू कितनी, 1, और 4 प्लस 0.3010 क्या हो जाएगा, 4.3010. देखिए आ गई यही वैल्यू. यानी कि अगर इसका एंटी लॉग ये है तो इसका लॉग ये है, हेंस इट प्रूव्ड कि इसका एंटी लॉग ये होता है. समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. इसको रब कर देते हैं हम, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं केवल और केवल क्या, एंटी लॉग निकालना. ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लिया ये लिखा हुआ है लॉग एक्स इज इक्वल टू 10.6990, then find the value of x. तो x बराबर क्या लिखना है, सिंपल डेसिमल के पहले क्या लिखा हुआ है, 10, यानी 10 की पावर 10 into 0.6990 क्या होता है, 0.6990, what happened, 5, means it is 5, it is final answer. कितना आसान है? तो एंटी लॉग जब भी कोई नंबर दिया हो. अच्छा, अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कोई जरूरी थोड़ी है कि ये नंबर हमेशा इसे मैच करे, ठीक है ना, तो कोई जरूरी थोड़ी हर नंबर मैच ही करते, क्योंकि हर नंबर थोड़ी लिख दिया है हमने यहाँ पे. तो उसके लिए थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा. कॉमन सेंस लगाने का मतलब ये है कि अगर ये कह दिया जाए कि log x लिखा हुआ है, मान लिया 5.3020, मान लिया 3020, तो अब इसकी x की वैल्यू कैसे निकलेगी. तो देखिए ये तो 10 की पावर 5 हो जाएगा. अब 0.3020 देखिए कहां है, 0.3020 का मतलब है 0.3010 और 0.4771, इसके बीच में वैल्यू लाई कर रही है. इसका मतलब यह है कि यह वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी. इसका मतलब यह है 2 और 3 के बीच की लॉग वैल्यू यह है. इट मींस अब यह देखना है, 2 और 3 का मतलब है 0.3010 के ये थोड़ा सा आगे है. थोड़ा सा आगे का मतलब है 2 से थोड़ा ज्यादा है. 3 तक तो पहुंचने का मतलब ही नहीं, 2 से थोड़ा ज्यादा है. आप अप्रोक्स यहां 2.1 लिख सकते हैं. चार ऑप्शंस में ऐसा कभी नहीं होगा कि वहां लिखा हो 2.1 इंटू 10 की पावर 5, दूसरा 2.2, 2.3, 2.4 इंटू 10 की पावर 5, ऐसा कभी नहीं होगा. चार ऑप्शंस में आप प्रॉपर तरीके से आंसर इसको कंफर्म कर सकते हैं. बात समझ में आ रही है? एक और देखिए क्वेश्चन. जैसे मान लिया हम वैल्यूज को चेक कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू, मान लिया लिखा है 15 पॉइंट, मान लिया लिखा हुआ है ये 6789 लिख दिया है. तो x बराबर क्या लिखोगे, x बराबर लिखोगे 10 टू की पावर 15 इंटू, अब 0.6789 कहां है, 0.6789 पॉइंट इन दोनों के बीच में, यानी 4 और 5 के बीच. इसका मतलब 4 और 5 के बीच में है. अगर 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन कोई ऐसा है जिसमें 4 और 5 के बीच में है, तो डेफिनेटली वही आंसर लगा दिया जाएगा, बाकी हमको देखने की जरूरत नहीं है.
भाई वहां पीएचडी नहीं करनी है, हमको चार ऑप्शंस पर देखना है कि अप्रॉक्स 0.6789, देखिए 6789 क्या है, अब 6789 का मतलब 6020 और 6990, तो अब इन दोनों के बीच में 9 का डिफरेंस है, 0.09 का डिफरेंस है, अब 9 का डिफरेंस है, ये वैल्यू है 6767 का मतलब है 69 के थोड़ा पास में है ना, मतलब इसके 5 के पास में है, तो 5 के पास में का मतलब क्या है कि 4.8 के आसपास, 4.5 एग्जैक्टली बीच में होगा, यानी कि 64 के आसपास, 64.5 के आसपास, लेकिन वो 67 है, इसका मतलब है कि 4.8 या 4.9, तो यहां पर 4.85 भी लिख सकते हो, वॉट एवर, आप इस तरीके से इसके आंसर को अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो जनरल हम चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को प्रॉपर तरीके से टिक कर सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, एक और इंपॉर्टेंट बात, कई बार ऐसा होता है कि वैल्यू माइनस में आ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि वैल्यू माइनस में आ जाती है, तो माइनस में देखिए क्या करते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है लॉग एक्स इज इक्वल टू -4.3010 लाइक दिस, तो ये बहुत आसान है, क्या करना है, अभी तक हम माइनस नहीं था तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करते 10^-4 और ये वैल्यू देख लेते थे, अब अगर माइनस है तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, ढंग से समझना क्या करना है, ये ट्रिक क्या है, 4 को 1 माइनस करोगे -4 -1 क्या हो जाएगा -5, 10^-5 इंटू, समझिएगा, अगर माइनस लगा है तो 4 में 1 माइनस करेंगे तो मतलब -4, ये आप कह सकते हो 4 में 1 जोड़ देंगे -5, अब ये वाली वैल्यू में भी एक माइनस करेंगे, इसमें भी एक माइनस किया और इसमें भी एक माइनस किया, तो क्या हो जाएगा 1.000.3010, और इसको जब माइनस करोगे तो यह आ जाएगा 0.6990, और ये 0.6990 जो है, अब इसको चेक करना होगा ये किसकी वैल्यू है, तो 0.6990 किसमें है, 0.6905 मींस इट इज 5, इट इज एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू, क्या ये क्लियर हो रहा है सभी को, मतलब log x इज इक्वल टू अगर माइनस वैल्यू लिखी है तो -4 में एक -1 ऐड करोगे तो मतलब हो जाएगा 10^-5, और इस नंबर को अभी तक अगर ये माइनस नहीं था तो हम डायरेक्ट ये नंबर वहां देखते थे, लेकिन अगर माइनस लगा है तो इसमें एक ऐड किया और इसमें भी एक माइनस किया, और माइनस करने पर जो वैल्यू आ गई उस वैल्यू को वहां चेक किया, और अगर ये वैल्यू एग्जैक्टली वहां नहीं है तो देखेंगे किसके बीच में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये वैल्यू लिखी हुई है, मान लिया लॉग एक्स इज इक्वल टू -6.3401, मान लिया ये लिख दिया, तो अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इधर हो जाएगा 10^-7 इंटू, भाई एक ऐड किया इसमें, अब ये 1 से जरा माइनस करिए 1.000 और ये हो जाएगा 0.3401, माइनस करिए 10 में से 1 गया 9, 9 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 0.6599, अब 0.6599 देखना है ये किस में है, तो 0.6599 इन दोनों के बीच में है 0.65, अब ये 60 और ये 69, तो एग्जैक्टली देखा जाए 60 और 69 इन दोनों के एग्जैक्टली बीच की वैल्यू देखी जाए तो 9 है, यानी कि 64.5, तो 64.5 एग्जैक्टली बीच की वैल्यू है, तो 65 का मतलब थोड़ा सा 4.5 से नीचे आ गया, यानी 4.6 के आसपास, मींस इट शुड बी 4.6 एंड इट इज फाइनल आंसर, समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से आप कोई भी एंटी लॉग निकाल के उस पूरे कंसेप्ट को ऑप्शंस मैच करा सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, अच्छा कई बार क्या होता है, आंसर अगर ऐसे दिया हो 10^ डायरेक्ट दिया लॉग एक्स बराबर दिस वैल्यू, तो बेस 10 है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10^15.6789, अगर ये आंसर दिया है तब तो नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो, लेकिन ये वाला आंसर देने की प्रोबेबिलिटी केवल 1-2% होती है। फाइनली आंसर इस फॉर्म में दिया होता है, आप केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा एंटी लॉक की रिक्वायरमेंट होती है, सॉलिड स्टेट में तो खास तौर पर डेंसिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इवन 11th के बच्चों को भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एंटी लॉक निकालने के लिए, तो ये एंटी लॉक का बहुत बेसिक सिस्टम है। अच्छा वन मोर थिंग, एक बात मैं आपको और बता दूं, लॉग निकालना बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, लॉग निकालना बहुत आसान है, यहां पर एक जनरल क्वेश्चन में लॉग का भी बता देता हूं आपको कि लॉग किस तरीके से निकाला जाता है, जैसे मान लिया हमारे पास लिखा हुआ है लॉग 4.67, इसका लॉग निकालना है, लॉग कैसे निकाला जाएगा, देखिए लॉग 4.67 जनरल अगर लॉग निकालना है तो लॉग निकालने के लॉग 4.67, तो इन जनरल देखिए लॉग 4.67 का मतलब लॉग 4 और 5 के बीच में आंसर है,
देखिए चार ऑप्शंस अगर मैच करने हैं तो चार और पांच के बीच में है, तो लॉग फोर की वैल्यू होती 0.6020 और लॉग फाइव की वैल्यू होती 0.6990, तब 4.67 का मतलब हो गया कि 4.5 से थोड़ा ज्यादा। देखिए बिल्कुल कॉमन सेंस के साथ लॉग की सारी वैल्यूज, देखिए एंटी लॉग वाले में भी और यहां पर भी कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है। कॉमन सेंस अगर गया तो क्वेश्चन गया, ठीक है ना। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर बच्चे का कॉमन सेंस स्ट्रांग है ना तो अपने आप क्वेश्चन चार ऑप्शंस अपने आप बता देते हैं कि भाई मुझे टिक कर दो, मैं ही आंसर हूं। कई बार ऐसा होता है कि बाकी के तीन जो है चीख चीख के चिल्लाते हैं कि मैं आंसर नहीं हो सकता, और जो होता है ना वो चीख चीख के चिल्लाता है कि मत मुझे टिक कर, तो बस आपको उसके अंदर की आवाज को सुनना होगा, ठीक है ना। तो यहां पर 4.67 है, तो 4.67 का मतलब क्या है कि चार और पांच के बीच में, चार और पांच के बीच का मतलब है चार की वैल्यू ये है और पांच की वैल्यू ये है। तो ये अब देखो ये जो 4.67 है वो इसके ज्यादा पास है, इसके ज्यादा पास है, तो ऑफ कोर्स इसके ज्यादा पास है। अगर मैं एग्जैक्टली 4.5 की वैल्यू देखूं तो 60 और 69 के बीच का मतलब कितना हो गया, वही मैंने कहा 64.5, तो 64.5 का मतलब ये यहां हो गया कि 64.5 का मतलब यहां हो गया 67 है ना, तो ये 4.5 से थोड़ा ज्यादा है, बात समझ आ रही है। तो ये वाली थोड़ी ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि 0.64 से थोड़ा ज्यादा, 0.65 या 0.66 के आसपास आंसर है। तो अप्रॉक्स इसका आंसर जो आएगा ना वो 0.65 या 0.66 के आसपास आ जाएगा। नहीं समझे, समझ में आ रहा है ना। 4.67 है, आप देखिए ना भाई 4.67 का मतलब क्या है, लॉग 4.67 का मतलब ये वैल्यू चार और पांच के बीच में है, लॉग चार की वैल्यू क्या है, लॉग फोर की वैल्यू है 0.6020 और लॉग फाइव की वैल्यू क्या है 0.6990, ठीक है ना। अब इसके एग्जैक्टली बीच में अगर मैं आपसे कहूं कि लॉग 4.5 देखो, तो 4.5 का मतलब 60 और 69 इन दोनों के बीच में अगर वैल्यू देखी जाए तो 9 का डिफरेंस है, यानी कि 0.645 के आसपास, ठीक है ना, 0.645 के आसपास। लेकिन ये दे रखा है 0.67 के आसपास, तो 67 का मतलब ये हो गया कि 0.64 से थोड़ा इस तरफ नीचे की तरफ, यानी कि 4.5 से वैल्यू ज्यादा, ठीक है ना। तो 4.5 का मतलब हो गया 4.6, 4.7, 4.8 कुछ आसपास, इसके आसपास ज्यादा आंसर है, इसके पास ज्यादा है, बात समझ में आ रही है। तो इसके पास ज्यादा है तो इसका मतलब है 0.69 तो हो नहीं सकता, 0.69 वैल्यू तो पांच की हो जाएगी, इसका मतलब 0.68 या 0.67 या 0.66 के आसपास, थोड़ा सा इधर आगे आ जाएं तो थोड़ा सा इधर आएंगे तो कितना आ जाएगा 0.66 के आसपास आंसर आ जाएगा। इट इज जनरल कॉमन सेंस। वीडियो को आप फिर से रिपीट कर लें, पॉज करें, समझें, रिपीट करें क्या क्या मैंने कहा है और उससे आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अदरवाइज अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट यह है कि अगर मुझे 4.67 की वैल्यू निकालनी है, 4.67 की वैल्यू निकालनी है, तो आप सबसे पहले क्या करें, लॉग 4 की वैल्यू लिखें, यहां पे कितनी है 0.6020, लॉग 5 की वैल्यू लिखें जरा कितनी है 0.6990, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें जरा, डिफरेंस निकाल लें। तो डिफरेंस का मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू माइनस करोगे, यानी 0.6990 और 0.6020, तो 0790, 0.097, यानी कि 0.097 ये वैल्यू आ गई। ये बात समझ में आ रही है, मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, लॉग 4.67 की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर समझिएगा जरा ढंग से, मैंने क्या किया, लॉग 4 की वैल्यू, लॉग 5 की वैल्यू, क्योंकि ये 4 और 5 के बीच में होता है, तो लॉग 4 की वैल्यू लिख लीजिए, लॉग 5 की वैल्यू लिख लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो ये डिफरेंस आ गया। अब इसमें जितनी वैल्यू 0.67 है ना, 0.67, तो 0.67 को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, 0.67 को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, यहां पर क्या होगा, लॉग 4 प्लस ये जो वैल्यू आएगी, ये जो एडिशनल वैल्यू आएगी, ये वैल्यू यहां पर ऐड कर देनी है। इट इज जनरल कॉन्सेप्ट। अब क्या है, ये 0.01 का मतलब कितना हो गया, 0.01 का मतलब हो गया 0.1 लिख सकते हो इसको, इसको अप्रॉक्स लिख सकते हो 0.1, तो 0.1 का अगर इधर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.067, और 0.067 इधर ऐड कर दीजिए
इधर ऐड कर दीजिए 0.067, ठीक है ना। और 0.4 की वैल्यू होती कितनी है, 0.4 की वैल्यू होती है 0.60, 0.6020, और इसमें जोड़ दो 0.0670 अप्रॉक्स, तो ये 0, ये 9, ये 6, ये 6, 0.6690, तो ये हो गई 4.67, 0.6690 अप्रॉक्स 0.66। तो क्या बुरा है अगर जो मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, तो ये क्या है कि ये एक जनरल कंसेप्ट है। तो वही मैंने कहा कि अगर आपका कॉमन सेंस अच्छा है तो डायरेक्टली लॉग की डायरेक्ट वैल्यूज 4 और 5 के बीच में है अप्रॉक्स, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया इन दोनों के बीच में लाई होगा, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से लॉग और एंटी लॉग का यूज करके हम क्वेश्चंस को और अपलिफ्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस अपने सॉल्व करने के रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, थैंक यू वेरी मच।